वेलकम टू ऑल, आई एम डॉक्टर मीना तिवारी। टुडेज माय टॉपिक इज न्यूमेरिकल मेथड। न्यूमेरिकल मेथड सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। सो फर्स्ट, व्हाट इज अलजेब्रिक इक्वेशन एंड व्हाट इज ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस। अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस क्या होती हैं? द वर्ड इक्वेशन किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में जब इक्वल का साइन आ जाता है तो हम उसको इक्वेशन नाम देते हैं, इन अलजेब्रिक इक्वेशंस। सो द स्टेटमेंट ऑफ द इक्वलिटी ऑफ टू एक्सप्रेशन फॉर्मुलेटेड बाय अप्लाइंग टू अ सेट ऑफ वेरिएबल्स द अलजेब्रिक ऑपरेशंस नेमली एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एंड ईटीसी। फॉर एग्जाम्पल, एक्स क्यूब प्लस वन इज इक्वल टू थ्री एक्स, y की पावर 4x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस y अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 12। दीज आर टू वेरी रैंडम एग्जाम्पल्स। किसी भी एग्जाम्पल्स में जब आपके वेरिएबल्स हों और इक्वल का साइन हो तो हम उसको अलजेब्रिक इक्वेशंस बोलते हैं। नाउ इन्हीं अलजेब्रिक इक्वेशंस में जब हम पॉलिनोमियल्स, आई मीन मोर देन वन टर्म, ट्रिग्नोमेट्रिक, आई मीन साइन कॉस, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ऐड कर दें तो इन्हीं अलजेब्रिक इक्वेशंस को हम ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस कहते हैं। एन इक्वेशन विच कंटेन्स पॉलिनोमियल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस ईटीसी इज कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस। फॉर एग्जाम्पल, लॉग ई टू द बेस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, साइन एक्स माइनस एक्स ई टू द पावर टू एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। फर्स्ट एग्जाम्पल कंटेन्स लॉगरिथमिक टर्म, सेकेंड एग्जाम्पल कंटेन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड इन थर्ड एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक बोथ, ऑल्सो इन सेकेंड एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक बोथ। तो दीज आर द ट्रांसेंडेंटल एंड अलजेब्रिक इक्वेशंस। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ न्यूमेरिकल मेथड इन इंजीनियरिंग। दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, जो मैंने आपको सिलेबस में भी डिस्कस किया था कि न्यूमेरिकल मेथड, एप्लीकेशंस ऑफ न्यूमेरिकल मेथड की इंजीनियरिंग में क्या यूज़ है, क्या कितना यूज़फुल होता है। सो न्यूमेरिकल मेथड प्रोवाइड अ वे टू सॉल्व प्रॉब्लम्स क्विकली एंड ईजीली कंपेयर टू एनालिटिक सॉल्यूशंस, whether the goal is integration of solution of complex differential equations, there are many tools available to reduce the solution of what can be sometimes quite difficult analytical maths to simple algebra. कभी कभी हमारे कुछ ऐसे practical problems होते हैं, complex होते हैं, बहुत difficult होते हैं, जिनको easily solve करना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होता है। So इन numerical method से इन problems को solve करना हमारे लिए काफ़ी easy हो जाता है। Sometimes we are presented with a problems which cannot be solved by simple algebraic means. For instance, if we needed to find the roots of the polynomial x cube plus 2x square plus 1, we would find that the tried and true techniques just wouldn't work. However, we will see that calculus gives us a way of finding approximate solution. मैंने एक आपको example लिखा, x cube plus 2x square plus 1. अगर मैं इसका सोल्यूशन को फाइंड आउट करूं तो मेरे लिए सोल्यूशन फाइंड आउट करना वेरी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो दैट इस तरह के कुछ अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल मेथड से हम बहुत इजीली, बहुत अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। न्यूमेरिकल मेथड आर वेरी पावरफुल प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स। दे आर प्रोफिशिएंट ऑफ हैंडलिंग लार्ज सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, नॉन लीनियरिटीज and complicated geometries that are not uncommon in engineering practice and that are often impossible or hard to solve analytically. As such, they greatly enhance your problem solving skills. मैंने आपको पहले भी प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था, जब हम किसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, कई तरीके के ऐसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होते हैं जहाँ पर हमारे पास इक्वेशंस मोर देन वन होती हैं, समटाइम्स इट इज़ 5, समटाइम्स इट इज़ 10, समटाइम्स इट इज़ 15 इवन। इस तरह की साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना हमारे लिए, जो प्रीवियस हमारी जो रूटीन प्रोसेस होती थी पहले के समय में, उन प्रोसेस से हमको इसको सॉल्व करना हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो न्यूमेरिकल्स मेथड्स के बाय द न्यूमेरिकल मेथड्स इन इक्वेशंस को सॉल्व करना हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। सो दैट
दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूमेरिकल मेथड. थैंक यू.